सो प्रवीण भाई मुझे यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे शिवा लफा एंड फ्लाफल। वैसे ये लोग ऑलरेडी बहुत फेमस है, फेमस इसलिए भी लोग होते हैं कि उनका काम अच्छा रहता है। तो वही काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है ऐसा, तो कि इनके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग टेस्ट करने के लिए आते हैं। फलाफल में बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐसे जो कोई यूज नहीं करता। चलिए आपसे बात करवाते पहले। मेरा नाम शंभू है, भैया का नाम शिवा है, हम शिवा लफा फलाफल के नाम से चलाते हैं ये छोटा सा, और आप लोगों की दया से सही चल रहा है। हम ये कम से कम 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे, बाकी पहले अपन शॉप पे थे। मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल हो गए इस फील्ड में, खाने की फील्ड में। मेरे को 16 साल हो गए इस वाले बिजनेस को। आपको 2.5 साल हुआ? हाँ, बाकी एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, हाँ, ये चीजें सब अंग्रेजों से ही सीखी है, बाहर के विदेशों से। वैसे इसमें डालते क्या हो जरा फलाफल? उसमें हुमुस और लाबानी चीज का रोल होता है, जो मक्खन के चीज का बनता है, जिसको हैंगिंग कट बोलते हैं। उसमें हम इस ब्रेड में सारा वो हुमुस और हैंगिंग कट, सलाद, फ्रेंच फ्राइज, फलाफल, हुमुस वगैरह सब डाल के फिर उसका रोल बनाते हैं। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे पनीर चीज का हो गया, मैक्सिकन हो गया, एवोकाडो का हो गया, ब्रोकली वगैरह सब सलाद का। क्या पर वो सारी चीजें डालते हो? हाँ, बहुत सारे। इसमें तो कोई देसी नहीं लग रहा, सारा विदेशी माल है। इंडियन कॉम्बिनेशन करके रखा है, बाकी अलग अलग तरह के। जैसे कि कुछ तो सब्जी होगी वो बाहर से लाते हो, बाकी सॉस का कैसे? आजकल हम मंगवा लेते हैं, खुद बनाते हैं, और कप थोड़ा बहुत जो होता है टमाटो चिली सॉस वगैरह ये तो बनाते हैं, बाकी होममेड है। तो ये बातें तो हो गई इस चीज के बारे में कि चीज बनता कैसे है, क्या है। अब आपको दिखा दें कि एक्चुअली में बनता कैसा है और लगता कैसा है, खाने में कैसा है। एक एक ऑलिव ऑयल, ऑनियन, गार्लिक चीज है, हुम्मस, मैगी सॉस, मैक्सिकन नूडल्स है, नहीं सर, फलाफल रोल होगा, लाफा फलाफल, मैगी सॉस हो गया है। इंग्रेडिएंट इसमें लग रहा है तो एक रोल में तो बंदा फुल ही हो जाएगा। एक रोल लेना आप, एक रोल खा लेना, खाना खाने की जरूरत नहीं। क्या बात है यार, फुल डाइट, फलाफल खाएंगे, फुल। आज तो खत्म है भाई, आज तो ये चिप्स, फलाफल, टमाटर सॉस, ये रोल है फलाफल। हां हां, ये ये तीन तरह की चीज है, बाकी क्रिया है। सारा जो चीज इसमें है, इतना सारा इंग्रेडिएंट इसमें है, ये तो हार्ट अटैक रोल हो गया पूरा। इसका वेट करा कभी, कितना वेट होता है इसका? एक ये हाफ केजी से ऊपर ही है, हाफ केजी से ऊपर का रोल है पूरा। ये करवा लूं पेरी पेरी वाला, ये लग गया मास्टरपीस पे चेरी। भाई साहब ये एक रोल एक बंदे के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कित साइज ऑफ रोल, ये इसका साइज तो देखो दोस्त, जितना बढ़िया। इसका स्टफिंग देखो दोस्तों, बराबर का स्टफिंग, मजा आया भाई। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई, मिड पार्ट पे जहाँ पे ज्यादा स्टफिंग आ रहा है ना, आपको कर रहा है दिक्कत। साइज तो देखो इसका, कब से खा रहा हूँ मैं। दिस दी वैल्यू फॉर मनी फूड यू कैन बाय इन पुष्कर एंड अजमेर, दोनों को मिला के इज द बेस्ट वन, दिन का सबसे बेस्ट फूड है। अपने पास इस फलाफल के अंदर कितने वेरिएशन है? अपने पास 50 तरह के हैं। इसके अलावा डिफरेंट है अपने पास सारे, कोई फ्रेश सलाद का है, कोई एवोकाडो का है, कोई मशरूम का है, ऐसे करके 50 तरह के आराम से है अपने पास, ज्यादा हो जाएंगे अलग अलग अंदाज से 50, अलग अलग टेस्ट आई जाती है। किसी ऐसे टेस्ट तो लगाना ही है, कब से टेस्टी टेस्ट आ रहा है, कब से खा रहा हूँ। तो यहाँ पे टिक्किया बन रही है, यहाँ पे बर्गर बन रहे हैं, फ्रेश फ्रेश बहुत सारी चीजें बन रही है। मेरा तो एक फलाफल के अंदर फुल हो गया, यहाँ तक
पानी भी थोड़ा थोड़ा ही पी पाया मैं, इतना हैवी पड़ा मेरे को। अगर आप आते शायद आपको ना पड़े, मेरे को तो पड़ा, मेरा एक मतलब ऐसे ऐसे हो गया मेरे को खाते खाते। मैंने तो ढूंढ लिया आपको, आपको अगर कोई ढूंढता ढूंढता है तो कहाँ पे आए? हम यहाँ पुष्कर में बाराघाट चौक पे मिलेंगे, जो पुष्कर का मेन चौक है वहाँ पे मिलते हैं। चलो बढ़िया है, ये रहा इनका एड्रेस, बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, गूगल लिंक जितना क्लिक करो, लोकेशन डालो, आ जाओ डायरेक्ट करके।